उसने एक बल्ब बनाया। आज वो वैज्ञानिक हैं, आज उनके घर में इनकम जाती है, लेकिन थॉमस एल्वा एडिसन जिसने बल्ब बनाया था ना वैज्ञानिक, उसको पागल बोलता था। कौन जानते हैं? अभी हम लोग बर्लिन में जाते हैं तो लोग पागल बोलते हैं ना, लेकिन उसे घर वाले पागल बोलता था। उसके पापा 10 दिन होते होते बोला, माँ तो सहली, लेकिन पापा बोला कि देख बेटा तू गड़बड़ है, तीसरा बात बोलना बंद कर। नहीं पापा, मैं तो एक ऐसा सूरज बनाऊंगा जो मेरी मर्जी से चलेगी। 7 दिन 10 दिन तक सुना, पापा को रहा नहीं गया तो एक ढोलक लिया है ना, नगाड़ यार बजाना शुरू कर दिया, डिडिंग डिडिंग, और बोला क्या हुआ भाई? बोल क्या होगा, मेरे घर में एक पागल कुत्ता जन्म लिया। बोल क्यों? बोलो ना, रात को ही दिन बना देगा, ऐसा बोल। हेलो, जी हाँ दोस्तों, थॉमस एल्वा एडिसन को उसको पापा ने पागल बोला। आप भी जब चलेंगे ना पर्लवैन के लेके, 250 लगाओ, 32 लाख 82 हजार पाओ, तो कहेगा देख पागल हो गया। बोलता कि नहीं बोलता है? बोलता कि नहीं बोलता है? और यदि आप ज्यादा बोल दिए कि 2250 और 20 डीपी और लगा लो 3750, तो 97 लाख पाओ, तो कहेगा महा पागल हो गया। यस नो? यस नो? पागल सिर्फ थॉमस एल्वा एडिसन को नहीं बोला गया, हम लोग भी बोला जा रहा है। यस नो? जी। और तो और, आप थोड़ा सा ज्यादा बार बोलना शुरू करेंगे ना, तो आपका नाम भी 32 लाख रख दिया जाएगा। ये तो नो? ये तो नो? ऐसा होता कि नहीं होता है? भाई मैं जब शुरुआत किया परफेक्ट में, मैं जब लाखों की बात करना शुरू किया तो कहता अच्छा देख 32 लाख जार लो, देख 32 लाख जार लो, देख 32 लाख जार लो, ऐसा बोलना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, ठीक उसी तरीके से थॉमस एल्वा एडिसन के साथ हुआ। लोग उसको पागल बोला, लेकिन पागल का असली अर्थ नेटवर्क मार्केटिंग में इसको डिजाइन किया गया है कि पागल का मतलब प्रगतिशील, गतिशील और लगनशील। ये सुनो, ये सुनो, 999 बार फेल हुआ। कितने बार? 999 बार फेल हुआ, तब बल बना। हम लोग 10 लोग मना कर देना, 10 लोग तब बस बोलते कि अब बताने जाएंगे, ये भी कहीं पागल ना बोल दे, आगे और नहीं जाते हम लोग। ये सुनो जी दोस्तों, उसने 999 बार फेल हुआ, तब बल्ब का पहला मॉडल तैयार हुआ। उसकी जीवनी को हम लोग पढ़ते हैं तो पता चलता है क्या, कि जब जब फार्मूला को लागू करता था, जब बल्ब का मॉडल वो तैयार नहीं कर पाता था, तो वो नाराज नहीं होता था, वो निराश नहीं होता था, बल्कि उसके अंदर अलग कॉन्फिडेंस जागता था, यस इस फार्मूला से तो बल्ब बनेगा ही। हेलो, और नया नया फार्मूला बनाता गया। जब जब वो हार जाता था तो हार में भी उसे जीत नजर आता था, और ऐसा करते करते, हेलो, हम लोग 10 लोग 20 लोग बोल देते हैं ना तो छोड़ के मैदान भाग जाते। ये सुनो, 999 बार फेल होने के बाद थॉमस एल्वा एडिसन एडिसन बना। क्या आप भी बनना चाहते हैं ऐसा? yes. बनना चाहते हैं? yes. लोग आपको भी बोलेंगे पागल, देख पागल जा रहा है, बिना काम किए 97 लाख दिलाएगा, ऐसा भी बोलता है। सुनने के लिए तैयार हैं? yes. आपको भी यहाँ रॉयल्टी इनकम मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, तो सिस्टम जिस तरह से थॉमस एल्वा एडिसन को एक वैज्ञानिक होने के नाते रॉयल्टी मिलती है, आज बल्ब हम लोग जलाते हैं, जब जब ये बल्ब जलता है दोस्तों, हम उसको खरीदते हैं और हमारे खरीदने से सरकार को टैक्स जाती है, और टैक्स का 1% पैसा जिसने इसको आविष्कार किया उसे दी जाती है। ये सुनो, ये सुनो जी, लेखक अपने अनुभव के आधार पर किताब लिखते हैं, और किताब लिखने के बदले में कोई लोग डॉक्टर को, इंजीनियर को, चार्टर्ड बन जाते हैं। ये सुनो, ये सुनो यहाँ दोस्तों, किताब वो लिखता है एक बार, लेकिन हम बार बार किताब को पढ़ते हैं, बार बार किताब को खरीदते हैं, और किताब खरीदने से उसके घर में रॉयल्टी जाती है। और एक ऐसे व्यक्ति जिसको सिंगर कहते हैं, गायक कहते हैं, जिन्होंने अपने ट्यूनिंग के आधार पर
गाना गाया, उसकी ट्यूनिंग इतना अच्छा होता है कि हर लोग उसकी गाना को सुनना पसंद करते हैं। ये सुनो, गाना वो एक बार गाते हैं लेकिन जब जब उस गाना को आप सुनते हैं, डाउनलोड करते हैं, उनके घर में पैसा जाता है। ये सुनो दोस्तों, मैं भी एक गाना गाता हूँ, आप भी जानते गाना, गाना आप भी जानते हैं, गाना आप भी गाते हैं, हम भी गाते हैं, लेकिन रॉयल्टी नहीं मिलती है। हेलो, एक गाना मैं बनाया हूँ पर्लवाइन के लेके, सुनना चाहेंगे भाई? एक फैब्रिक